साथ में मैंने ड्रोन भी रख दिया है। कुछ टाइम बाद मेरी यहाँ पे नई गौशाला बनाने की तैयारी हो रही है, तो वो सारी पटाले मुझे यहाँ पे लानी है और यहाँ पे बिछानी है। राजमा बोई थी और राजमा की जो बिल है वो भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोगों को ये वाली पटाले अब निकालनी होंगी। अब सबसे मेन काम है इन पटालों को घर पहुँचाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि कोई पटाले ना बहुत बड़ी हैं। वो तीन पटाले बची हुई हैं और उसके बाद यहाँ की पटाले हमें ये भी पहुँचानी है। मॉर्निंग की शुरुआत तो हो गई है, बाकी धूप भी निकल चुकी है कुछ इस टाइप से। अभी नज़ारे बने हुए हैं और अभी टाइम है सुबह के लगभग 6:30 हो रहा है और पानी वगैरह भरने का, तो कुछ इस टाइप से इन डब्बों में पानी भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये वाले जो कंटर हैं इनको गौशाला के लिए रखा हुआ है भर के। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं भी निकल चुका हूँ मस्तूरा के लिए और ये डेली का रूटीन हो गया है, जब तक पानी वगैरह नहीं भरा तब तक मस्तूरा जाने के लिए भी नहीं होता है। मैं भी दुकान पे पहुंच गया हूँ। इस साइड से मैं हमेशा जब भी आता हूँ ना, फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह क्लिक करता हूँ ना, कसम से जब इस पे हरियाली रहती है ना तो यहाँ पे नज़ारे बहुत मस्त बने रहते हैं। अभी दिन के 12 तो बज चुका है और हम लोग भी वापसी घर के लिए आ गए हैं और बाकी आज मैं साथ में ड्रोन भी ले आया हूँ। ये बात के वीडियोज़ में आप लोगों को कहीं कहीं पे ड्रोन के शॉट भी दिखेंगे। मैं समझा नहीं कैसे, मतलब कौन जीतता होगा? मैं जीतता। टाइम वैसे खाना खाने का तो हो गया है और बाकी ये देखो खाना खाने के बजाय ये अभी मिठाई खा रहा है और बाकी आज खाने में बना हुआ है चौसा और सुबह की सब्जी है और हरी मिर्च है। अभी शाम के 4 बज चुका है, अब मेरी तैयारी हो गई है गौशाला निकलने की और साथ में मैंने ड्रोन भी रख दिया है। सोलह पे जो पटाले वगैरह है वो निकाल के मुझे इस जगह पे लानी है। कुछ टाइम बाद मेरी यहाँ पे नई गौशाला बनाने की तैयारी हो रही है, तो वो सारी पटाले मुझे यहाँ पे लानी है और यहाँ पे बिछानी है गाय वगैरह के लिए। क्या हो तो क्यों रो रहा, क्यों रो रहा बता तो सही। नहीं जा रहा, मैं कहना भी मानना है, ठीक है कहना भी मानना है, ठीक है हाँ। और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पे राजमा बोई थी और राजमा की जो बेल है वो भी निकलनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि कुछ टाइम बाद राजमा की जो बेल है ना ऊपर इन हतलके पे चले जाएगी। मैं भी पहुंच गया गौशाला पे और अभी यहाँ पे हम लोगों को पता क्या काम करना है, जो नीचे जो पटाले लगी हुई हैं ये पटाले निकालनी है और सामने जहाँ पे नई गौशाला बनाने की तैयारी हो रही है ना वहाँ पे ले जानी है। कुछ टाइम बाद मिस्त्री आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ना ये पटाले अंदर और बाहर चौक में लगा देंगे ताकि गाय भैंसों के लिए रहने के लिए अच्छा सा या बैठने के लिए अच्छा सा हो, क्योंकि उनके लिए भी सारी चीज़ें ना अच्छे से होनी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे हल्का सा धुआं लगाया हुआ है और ये लगता है गोबर से और गोबर के कुछ इस टाइप से बनाए रहते हैं, इनको हम लोग अपनी गढ़वाली भाषा में ना गोफला बोलते हैं। वगैरह पे जो डांस वगैरह होते हैं या कीट पतंग होते हैं वो परेशान करते हैं, तो धुएं से वो भी भाग जाते हैं और उनकी सेफ्टी भी कुछ इस टाइप से पहाड़ों में होती है। हाय,
और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी मरास यानी कि पत्थर इकट्ठा किए थे और उसके बीच में कुछ इस टाइप से गोबर डालने के लिए रखा हुआ था। और इसके आसपास देखो ना बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। और ये जो पौध है ये पिछले साल की है, यानी कि नए जो अभी लगाए हैं ना वो बिल्कुल छोटे हैं। इस जगह पे देखिए ये बिल्कुल छोटे हैं अभी। तो ये सारे ना इनको हम अपनी गढ़वाली भाषा में मोनी डाली बोलते हैं। गौशाला के आसपास कुछ इस टाइप से ककड़ी और बैगन लगाया हुआ है, तो कुछ टाइम बाद इस पर भी ककड़ी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी टाइम लगभग 5 बज चुका है और अभी देखो धूप भी ना बिल्कुल वैसी की वैसी है। हम लोगों को ये वाली पठाले अब निकालनी होंगी, तो अब लगते हैं अपने काम पे। और बाकी अपने साथ छोटू भी है, छोटू भी हेल्प करेगा, करेगा ना। और अभी ये सारी पठाले निकाल दी हैं यहाँ से भी और कुछ यहाँ से निकाल दिए हैं। सबसे मेन काम है इन पठालों को घर पहुँचाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि कोई पठाले ना बहुत बड़ी हैं तो उनको ले जाने में दिक्कतें तो होंगी ही। अब ये पठाल मुझे घर पहुँचानी है, इसके जैसे पता नहीं कितनी पठाले हैं। ये वाली जो पठाल है ना ये सच में बहुत भारी है और इसके जैसे ना जाने पता नहीं कितनी पठाले अभी वहाँ पे हैं, तो उन सारी पठालों को मुझे ही लाना होगा। और वैसे इन पठालों के लिए हम ना वो मदद में बोल सकते थे, पर कितने बार कितनी चीज़ों के लिए बोलना, अभी हमें बहुत सारा काम करना है। कल देखो सभी सिस्टर लोग ना घर पहुंच गए हैं, अब एक दिन सभी से मुलाकात करवाएंगे जितने भी घर आए हुए हैं। बाकी अभी किधर घाटी, अभी जो पठाले हैं लगभग 25 से 30 होंगे और अभी हम लोग चार ही पठाले यहाँ पे ले आए हैं। काफ़ी टाइम ये चीज़ें बोलता रहता हूँ कि जो पहाड़ी लाइफ स्टाइल होती है ना वो कुछ आसान नहीं होती है, देखने में अच्छा लगता है पर उसके स्ट्रगल जो होते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करना टफ बन जाता है। बाकी ये कुछ सीन है और अभी जब तक रात नहीं पड़ी तब तक हम लोगों को ये काम करना ही है। ये देखो सभी लोग पहुंच गए। कैसे हो भाई रोहित? बढ़िया हूं। साक्षी? ठीक है। सृष्टि भाई? सही। अरे मोटो कैसा? बाकी आजकल सभी लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ों में, यानी कि अभी आजकल जो गर्मियों की छुट्टियां है ना वो पड़ी हुई हैं, तो सभी लोग वापसी गांव में आ गए हैं और कुछ टाइम तक ये लोग गांव में ही रहेंगे। और आजकल गांव में ना चहल पहल बनी है सारी जगह। भी ले लिए हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने ड्रोन को फ्लाई किया। वैसे मुझे ना ड्रोन को चलाने की बड़ी आफत आती है, उसको फ्लाई करना, इधर उधर के शॉट लेना। बाकी अब कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में मैं ड्रोन के शॉट लूं। बाकी अभी ऑलमोस्ट ये हमारी छठवीं या सातवीं पठाल है। अभी ऑलमोस्ट 10-12 पठाले हम लोग ना ले तो गए हैं और बाकी अभी जितने भी पठाले हम ले जा रहे हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि अभी ना धूप नहीं है।
और यहाँ पे दो तीन पठाले बची हुई हैं और उसके बाद यहाँ की पठाले हमें ये भी पहुँचानी है। होप आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपको किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट डे, सब्सक्राइब, बाय बाय छोटू।